गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग जाने वाले हैं, आज हमारा है डे 4 और आज हम लोग जाने वाले हैं हमारे एक नए मूर्तिकार के पास, जो डेली रूटीन के साथ हम लोग जाते हैं। वहीं पर आपको लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं आज कितना बर्फ हो चुका है और मौसम कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो रहा है। अभी कुछ घूमने लायक जो उसमें निकल जाए भाई, दोस्तों के साथ हेलमेट लगा के अपने सफ़र को इन्जॉय करते हुए, तो वो तो अभी हमारे पास इम्पॉसिबल नहीं है। जब भी माता रानी कृपा होगी सब होगा तो आपको दिखाएंगे वो व्यू भी। तो अभी क्या करते हैं गाइस, अभी मैं लोग और अभी हम लोग निकलते हैं, हमारे कैमरामैन को उठाते हैं और निकलते हैं वही डेली की रूटीन की तरह मूर्तिकार के पास घूमने के लिए। तो क्या कर रहे हो, सफ़र का एंजॉय कीजिए। निकल जाते हैं गाइस, गाड़ी में फ्यूल भी नहीं है, फिर भी आपके लिए मैं इतना करता हूँ गाइस। पता फ्यूल के लिए अभी मेरे पास पेमेंट नहीं है अभी फिलहाल के स्थिति, पर माता रानी के विश्वास से मैं निकल जाता हूँ शूट करके आ भी जाता हूँ जब हमें थोड़ा लगता है कि जब तक माता रानी कृपा कर ही देती है पैसों की। और देख लीजिए राइडर नीचे देख सकते हैं, हमारे यहाँ पर राइडर जो लोग हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, बस आगे से कट निकाल देते हैं, देख सकते हैं अपने गाड़ी। तो आप लोग भी बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। और अभी आप लोग कमेंट बहुत अच्छे अच्छे कर रहा है तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि गुना की जो महारानी है महाकाली, उनका फीड में जल्दी लाने वाला हूँ और उनका जैसे ही काम स्टार्ट होगा, मूर्तिकार भैया का नाम नहीं बताऊंगा अभी, वो एक सरप्राइज रहेगा और काम आने के वो भी एक सरप्राइज रहेगा, ठीक है। जब अपडेट स्टार्ट होगा तो उस दिन से आपको अपडेट दे देंगे कि भाई हमारी महारानी जी बनने लगी हैं और इस बार हमारी महारानी लगेंगी और वो हर साल ही लगेंगी। ऐसा कभी दिन मतलब कभी ऐसा साल ना आए कि भाई महारानी ना बैठे, हमारी बस उनकी कृपा बनी रहे हम पे और आप सभी पर भी रहे, हमारी फैमिली पर सभी अच्छे रहें, आप लोग खुश रहें। और बस यही चाहता हूँ मैं तो भाई, और सभी मूर्तिकार इस बार हमारे है ना कहाँ पर हैं, गिरवाग पर ही उपस्थित हैं, तो सभी मूर्तिकार वो पंडा बस थोड़े थोड़े दूरी पर है, मतलब सुखाई जब भी हम लोग आ चुके हैं हमारे अनिल भैया के पास। आए हम आपको दिखाते हैं जो उनकी माता रानी और गणपति बप्पा जो सब पर हो चुका है, तो वो दिखा देते हैं अभी। और अभी चल रहा है हमारे जो गणपति बप्पा आने वाले हैं तो उनके अंदर ज़्यादातर बहुत काम चल रहा है और माता रानी में बहुत कुछ काम हो चुका है, तो अंदर जाकर दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जैसे अभी हम थोड़ा अंदर आएंगे ना, जो सारा माता रानी हैं तो उनमें है ना इनका देखो फेस का वर्क हो चुका है, अभी बाल वगैरह बन रहे हैं और ये मुकुट का काम होगा और वैसे अधिकतर रेडी है। और इस बार भैया का जो मतलब जो मेन काम है जैसे कि जो वस्त्र नहीं पहने हुई तो उनको इस बार रेडीमेड करके देंगे भैया। इस बार हमने बोला है कि इस बार रेडीमेड काम करें तो बहुत अच्छा लगता है रेडीमेड, और जो वो वाला भी होता है जो फट्टा वाला वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन रेडीमेड मस्त लगता है और अच्छा लगता है। तो आपको दिखा रहे हैं कुछ जो हमारी माता रानी हिंगासन वगैरह पर बैठेंगी, डिजाइन वाली बोली जाती है हमारे फूल कुछ, तो ये है हमारी ये है और एक ये, और कुछ जो बहुत स्पेशली होने वाली है क्योंकि बड़ी आपको बता दूँ कभी लगभग इधर यहाँ पे 10-10 8-8-15 मूर्तियाँ हैं जो कि अभी फेस में वगैरह खुल हुआ है और कुछ बाहर है। और ये आप देख सकते हैं ग्राइंडर चल रहा है तो आवाज़ वगैरह नहीं आ रही है आपको सही से, तो आप एक काम करते हैं लगा लिया था थोड़ा इधर का व्यू दिखा देता हूँ जो जो बर्फ हो चुका है और नूली वगैरह लग चुकी है अभी मात्रा में यहाँ पर नहीं लगती हुई है और जो आगे वाली है ना तो उनमें नूली को बर्फ भी हो चुका है, तो आपको वही दिखाता हूँ लगा लिया फोन बना दूँ भाई चलो। शुभ नयना करुणा माया गौरी हर शिव रत विनायक, शुभ नयना करुणा माया गौरी हर शिव रत विनायक, लीन निरंतर हो लीन निरंतर हो, सूर निरागस हो, सूर निरागस हो, गणपति सूर निरागस हो। मोरया मोरया गणपति बप्पा मोरया मोरया
गाइस हम लोग बाहर से अंदर आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं हमारे जो गणेश भैया यहाँ पे बर्फ हो चुका है माता रानी एंड गणपति बप्पा में, तो आपको हम दिखाते हैं ना। तो क्या कर रहा है, थोड़ा सा बना दे भाई। तो एक काम करो, जब तक कमेंट में लिख दो जय माता दी, जब तक मैं बना रहा हूँ भाई, ठीक है? तो लगा लो एयरफोन, दिखा देता हूँ। हम लोग आ चुके हैं ऊपर और लाइट नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, ऊपर नहीं है अभी लाइट की, आप देख सकते हैं। तो आपको जो होगा वो आपको दिखा दे रहा है। यहाँ पर आगे हमारे गणपति बप्पा जो प्यारे से पप्पा हमारे जो कि ये बुक हो चुके हैं, आप देख सकते हैं स्लिप लग रही है। लगभग इनकी हाइट होगी भाई 5-5.5 फिट की होगी, मेरी 5.5 है तो इनकी भी 5.5 की लगभग ही है। और ये हमारे जो कि मछली पर बैठे हुए हैं बप्पा, इतने प्यारे लग रहे हैं। और ये जाने वाले हमारे श्रीराम कॉलोनी के हैं, ये बप्पा दिखाते हैं आपको, ठीक है? तो ये देख सकते जो कि हनुमान जी के पैटर्न में, थोड़े ब्रॉड रूप में और बढ़िया बॉडी बिल्डर टाइप के, आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ सही से। और एक ये है हमारे पास में बप्पा, जो कि इनका फिनिशिंग का वर्क हो चुका है, फेस वगैरह पे देख सकते हैं, थोड़ा वर्क और रहा है। और लगभग इनके यहाँ पे 8-9 दिन के अंदर पुट्टी का भी बोलना है कि पुट्टी स्टार्ट कर देंगे, तो दिखाएंगे आपको। जब तक भी हमारे पप्पा हैं, जो कि इनके भी अभी फिनिशिंग का वर्क होना है। और यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ रखी जो कि माता रानी है, वो रेडी हो चुकी हैं लगभग 5-5, 4-4 फिट की, तो आपको वो भी दिखाता हूँ। देख सकते हैं हमारी क्यूट सी माँ जो कि बहुत प्यारे स्वरूप में है इस बार। और इनको देखने के बाद एक्सप्लोर में सभी लोग, सभी माता रानी उसी टाइप की हैं। तो लगा लो एयरफोन। तो 1, 2, 3।